अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब क्लास सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्लास हम किस चीज़ को कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन कहते हैं फॉस्फेट आयन को ऐड करवाना, यानी कि क्लास ADP के अंदर हम लोग फॉस्फेट को ऐड करवाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। यानी कि क्लास इसमें फॉस्फोराइलेशन को हम कहेंगे सेंथिसिस ऑफ ATP। और क्लास ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होना उसकी प्रेजेंस में। तो क्लास इसकी दोनों की डेफिनेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है? सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब क्लास नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो सा है वो किसके साथ हो रहा होता है? रेस्पिरेटरी चेन के साथ हो रहा होता है। और क्लास इसकी साइट कहाँ पे है, ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये क्लास हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है। अब क्लास सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। उसके बाद क्लास इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। क्योंकि क्लास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन के साथ हो रहा होता है, तो क्लास ये NADH हमारे पास यहाँ पे NADH ऐड हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन आयन हमारे पास कहाँ पे आ जाता है? ये हाइड्रोजन आयन। उसके बाद हमारे पास आया हुआ है 3 ADP, ये क्लास 3 ADP और एक ADP और एक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक ADP एक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ हुआ है और एक ADP एक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ हुआ है। टोटल 3 ADP और 3 फॉस्फेट यूज़ हुए हैं, यानी कि 3 ADP और 3 फॉस्फेट आयन यूज़ हुए हैं। और 1/2 O2 या ऑक्सीजन, ये 1/2 O2 है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे। अब क्लास ये चीज़ें जो ऐड हुई थी उसके बाद इनसे बना क्या है हमारे पास? NADH जो उनसा है उसने क्या किया? NAD पॉजिटिव बनाया। जबकि क्लास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन दोनों ने मिलकर वाटर बनाया हमारे पास। और जो फॉस्फेट और ADP थे वो आप दोनों आपस में रिएक्ट होकर उन्होंने क्या किए? ATP बनाए, ATP के 3 मॉलिक्यूल बनाए। तो क्लास ऑक्सीजन और साथ में हमारे पास जो हाइड्रोजन है मिलके उन्होंने वाटर बनाया, ADP और फॉस्फेट क्या क्या बना दिए? ATP बना दिए। तो ये रिएक्शन हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन है। अब क्लास यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ इस रिएक्शन को। अब क्लास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ वाली, इनर मेम्ब्रेन उस होती है उसके अंदर फोल्डिंग्स बनी होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टर्निया। इसके अंदर फोल्डिंग्स हमारे पास बनी होती हैं, सॉरी इन फोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। अब क्लास हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस आ रही होती है उसको क्लास हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सबसे पहले क्लास हमारे पास क्रैब साइकिल जो उनसा हो रहा था, क्रैब साइकिल हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो क्लास स्पेस होती है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। तो क्लास क्रैब साइकिल होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है। अब क्या होगा क्लास, हमारे पास क्रैब साइकिल जब होता है तो हमारे पास उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो NADH बनते हैं और साथ में FADH2 बनता है। अब क्लास ये जो हमारे पास NADH बनता है यही हमारे पास कहाँ पे जाता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ होता है। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जा रही है। अब ये NADH जब क्लास टूटेगा इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन आयन जो उनसे आता है वो निकलता है। तो ये क्लास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं? ये जाते हैं कोएंजाइम ए के पास, एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है। ये क्लास पीछे जो सारा रिएक्शन लिखा हुआ है हमारे पास कि ये जब क्यू के पास जब गया है तो क्लास हमारे पास क्या हुआ है? एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हुई है, वो ATP बनाई है उसने। उसके बाद बी के पास गया तब एनर्जी नहीं बनी। उसके बाद जब ए सी के पास गया तब भी एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो क्लास जब हमारे पास क्या हुआ है, ये कोएंजाइम क्यू के पास गया है तो हमारे पास एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हुई है। फिर बी के पास गया, एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई। फिर सी के पास गया, एनर्जी रिलीज़ हुई है ATP के फॉर्म में, ए थ्री साइटोक्रोम ए थ्री। उसके बाद जब ऑक्सीजन के पास गया तो फिर से एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन जो उनसे है वो आगे आगे मूव करता रहता था। अब क्लास जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमेशा याद रखना उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन जो उनसे होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं। तो क्लास हाइड्रोजन आयन जो उनसे हैं वो बाहर रिलीज़ होते जाएंगे, एनर्जी रिलीज़ हुई है तो हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ होते जाएंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे। अब क्लास हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होने की वजह से जो हमारे पास इसका इसकी जो इंटर
मेम्ब्रेनस स्पेस है उसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज होते जा रहे हैं, तो क्लास हाइड्रोजन आयन की बाहर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जबकि क्लास इनकी अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की वो लो होती है। अब ये क्या करते हैं, क्लास हाइड्रोजन आयन जो उनसे होते हैं, ये एटीपी सिंथेस जो यहाँ पे लगा होता है, ये इसके ज़रिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। अब क्लास आउटर मेम्ब्रेन से जब वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं, तो क्लास हमेशा याद रखना है, जब भी कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर एंटर होती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब क्लास एनर्जी रिलीज होती है तो हमारे पास एटीपी सिंथेस जो है उसके अंदर पहले से ही एडीपी और साथ में फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होगा, और क्लास यहाँ से जब एनर्जी रिलीज होगी, जब हाइड्रोजन आयन जो से अंदर आ रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको एनर्जी भी मिल जाएगी, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्या बनाएगा यहाँ पर, एटीपी हमारे पास यहाँ पर बनेगा। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एनर्जी बन रही है, इस प्रोसेस को हम कीमियोस्मोसिस बोलते हैं। कीमियोस्मोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लास ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो क्लास यहाँ पे भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हुई है, लेकिन क्लास कीमो इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की क्योंकि मूवमेंट हो रही है, वाटर की नहीं हो रही, इस वजह से ये केमिकल वर्ड यूज़ किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ केमिकल, यानी इस वजह से क्लास इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब क्लास एक दफ़ा हम सारे टोटल प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, सारे जो जितनी भी रिएक्शंस हुए हैं, 1, 2, 3, 4 हमारे पास टोटल इस बुक में 4 रिएक्शंस थे, मेन 4 प्रोसेसेस थे, उन चारों में हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से आए थे। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP आए थे, 2 NADH आए थे और 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे। अब क्लास आगे जो हम लोगों ने पायरोविक ऑक्सीडेशन देखी थी उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास क्लास एक NADH2 बना था और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना था, लेकिन क्लास क्योंकि 2 पायरोविक एसिड बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, तो एक पायरोविक एसिड से हमारे पास एक NADH2 बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो क्लास 2 से हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक से हमारे पास एक वैल्यू आएगी और दूसरे से भी सेम वही वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2 NADH2 लिखा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा। जैसे क्लास एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरोविक एसिड हमारे पास 2 बने हैं, और क्लास यहाँ पे इन्होंने पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन इतना एरिया है उसके अंदर एक NADH बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो क्लास एक पायरोवेट से ये बन रहा है तो दूसरा पायरोवेट भी सेम रिएक्शन फॉलो करेगा तो उससे भी यही बनेगा। अब क्लास एक पायरोवेट के साथ पायरोविक एसिड के साथ इन्होंने पूरी क्रैप साइकिल दिखाई है, तो दूसरा पायरोविक एसिड भी सेम वही क्रैप साइकिल फॉलो करेगा, यानी कि क्रैप साइकिल की भी क्लास जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे हम उनको भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि एक पायरोविक एसिड ने वो फॉलो किया तो दूसरा पायरोविक एसिड जो इसके साथ है हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ हुए तो वो भी क्या करेगा, सेम ही रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अब क्लास स्टेप साइकिल के अंदर हमारे पास 3 NADH2 बने थे, लेकिन क्लास क्योंकि हम इसको डबल कर देंगे वो 6 NADH2 आ जाएगा, 1 हमारे पास FADH2 बना था उसको डबल कर दिया तो 2 FADH2 आ गया, 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बने थे उसको डबल कर दिया तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आए। अब रेस्पिरेटरी चेन के अंदर क्लास 1 NADH बना था हमारे पास और 1 हमारे पास FADH2 बना था, और क्लास ये हमेशा याद रखना है कि 1 NADH से हमारे पास 3 ATP बनते हैं और 1 FADH2 से हमारे पास 2 ATP बनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टोटल ATP इसके अंदर काउंट करने हैं, तो क्लास हम लोग क्या करते हैं NADH को पहले काउंट कर लेते हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास इस पूरे रिएक्शन के अंदर टोटल 10 है, और FADH2 को काउंट कर लेते हैं वो इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब क्लास टोटल हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग क्या करेंगे 10 को, क्योंकि एक ADP NADH के अंदर से हमारे पास कितने ATP निकलते हैं, हमारे पास टोटल 3 ATP निकलते हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 30 ATP, 10 ADP के अंदर से, सॉरी 10 हमारे पास NADH के अंदर से टोटल निकलेंगे 30 ATP, और क्लास 2 FADH2 के अंदर से हमारे पास टोटल निकलेंगे, क्योंकि उससे कितने निकलते हैं, 1 के अंदर से 2 निकलते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 2 2s are 4 आता है, तो 4 ATP के मॉलिक्यूल निकलेंगे। इस तरह क्लास हम लोग टोटल ATP के मॉलिक्यूल अगर काउंट करें तो 38 हमारे पास ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं सारे रिएक्शन से। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास ATP थोड़ा सा कम हो जाता है अगर हम लोग नेट प्रोडक्ट देखें, वो क्यों, क्योंकि क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो क्रैप साइकिल से NADH बनता है वो तो आगे दोबारा यूज़ हो रहा होता है, यानी कि यहाँ पे NADH यूज़ हो रहा है दोबारा, उसकी एनर्जी जो उनसी है वो हम लोग नेट के अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो NADH क्लास हमारे पास यूज़ हो रहा है,
तो कितने एटीपी निकल रहे हैं, 3 एटीपी कम हो रहे हैं, लेकिन क्लास उनमें से आगे जाके 1 एटीपी हमारे पास दोबारा से बन रहा था, यानी कि क्लास टोटल 1 एटीपी बन रहा है दोबारा, तो टोटल हमारे पास 2 एटीपी जो उनसे हैं वो कम हो जाते हैं। तो क्लास इसके अंदर से, इस वैल्यू के अंदर से 38 एटीपी के अंदर से हम लोग 2 एटीपी निकाल देते हैं, तो हमारे पास कितने, कुछ बुक्स के अंदर नेट एटीपी हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 36 एटीपी लिखा हुआ है, और कुछ बुक के अंदर 38 एटीपी लिखा हुआ है। अब क्लास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड, यानी कि क्लास रेस्पायरेशन को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। अब क्लास हमें पता है कि जब भी क्या होता है, एटीपी की ज़रूरत होती है, तो सेल क्या करता है, ये सारा प्रोसेस करता है और एटीपी बना लेता है, और जब भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास एटीपी पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो सेल क्या करता है, वो प्रोसेस स्टॉप कर देता है। तो क्लास हमने यही बताना है कि सेल जो उनसे होता है वो अपनी रेस्पायरेशन को कंट्रोल किस तरह करता है। अब क्लास यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पाइरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और क्लास ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और क्लास इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम करवा रहा होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज करवा रहा होता है, और क्लास ग्लूकोज जब भी हमारे पास बनता है पाइरोवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास एटीपी बन रही होती है, तो क्लास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एटीपी बन रही होती है, इस वजह से ये एरो यहाँ पे शो किया हुआ है कि डायरेक्टली एटीपी यहाँ से निकल रही होती है। एक ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्लास हमारे पास पाइरोवेट जो उनसे होता है वो किसके अंदर जब कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान। तो क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास इस रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पाइरोवेट डी कार्बोक्सीलेस जो उनसे है वो इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो डी का मतलब होता है रिमूव करना, कार्बोक्सीलेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लास इसको ये वाला एंजाइम, एक हमारे पास एंजाइम ये हो गया और एक हमारे पास एंजाइम ये हो गया। यहाँ पे क्लास क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास एटीपी नहीं बन रही होती, बल्कि एनएडीएच जो उनसे है वो रिलीज हो रहा होता है, इनडायरेक्टली हम उससे एटीपी बना सकते हैं, इस वजह से क्लास को एरो नहीं शो की हुई। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्रैब साइकिल होता है, क्रैब साइकिल के अंदर भी हमारे पास एटीपी बनता है, तो वो भी हमें डायरेक्टली शो की हुई है। नेक्स्ट उसके बाद रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी चेन होती है, वहाँ से भी डायरेक्टली एटीपी बन रहा होता है, तो वो उससे यहाँ से एरो क्लास शो की हुई है इन्होंने। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या चीज़ निकल रही होती है, क्रैब साइकिल के अंदर एनएडीएच भी रिमूव हो रही होती है, निकल रही होती है। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब भी एटीपी की अमाउंट हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो सेल क्या करता है, अब उसने क्या करना होता है, इस रिएक्शन को स्टॉप करना होता है, ताकि और एटीपी ना बने, क्योंकि एटीपी पहले से सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो चुकी है, जमा हो चुकी है। अब क्लास सेल हमारे पास क्या करेगा, ये एटीपी जैसे ही जमा हो जाएगी तो क्या होगा, ये क्या, ये इनहिबिट कर देगा। हमारे पास यहाँ पे 2 इनहिबिटर होते हैं, एक ये इनहिबिटर है और ये एक ये एनएडीएच हमारे पास इनहिबिटर है। साइड पे जो एरो ज़्यादा की शो की हुई है, जैसे ही क्लास ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होना शुरू करेंगी, एटीपी क्या करेगा क्लास, वो इसको इनहिबिट कर देगा, इस एंजाइम को जब वो स्टॉप करेगा, तो हमारे पास आगे जो पाइरोवेट है वो बनेगा ही नहीं, तो आगे रिएक्शन ही नहीं हमारे पास चलेगा। नेक्स्ट क्लास जब एनएडीएच यहाँ से अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक तो ये इनहिबिट करने के लिए काम आ सकता है, और दूसरा अगर एनएडीएच ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एंजाइम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और कभी भी एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा और ना ही हमारे पास आगे रिएक्शन चलेगा। तो क्लास यहाँ से हमारे पास ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो उनसे हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अगर क्लास अब क्या होगा, दोबारा उन्होंने एटीपी बनानी है, एटीपी कम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने दोबारा रिएक्शन स्टार्ट करना है, तो वो किस तरह होगा, जो क्लास हमारे पास सिट्रेट है, सिट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटर इनहिबिटर, यानी कि जो रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, वो हमारे पास 2 होते हैं, जबकि क्लास एक्टिवेटर यानी कि वो जो दोबारा रिएक्शन को एक्टिव करेगा, वो हमारे पास सिट्रेट होता है। उसके साथ एरो नीचे शो की हुई है, यानी कि क्लास जब भी इसकी अमाउंट कम हो रही होगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो होगा वो ये वाला एंजाइम पाइरोवेट डीकार्बोक्सिलेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, और क्लास जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो आगे सारा का सारा खुद ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। तो क्लास जब भी ये क्वेश्चन आए, तो मैं इसको आंसर लिख के एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर, फिर वो लिखना है। तो ये क्लास मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, दी अकोमोलेटेड एटीपी एक्ट एज इनहिबिटर एंड इनहिबिट द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, द एनएडीएच रिलीज इन क्रैब्स साइकिल आल्सो एक्ट एज एन इनहिबिटर एंड इनहिबिट द एंजाइम पाइरोवेट डीकार्बोक्सिलेज व्हिच इनहिबिट ऑल द प्रोसेस, सो द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आल्सो स्टॉप्स। In order to produce ATP again, the citrate in Krebs cycle act as activator and the low concentration of citrate
automatically activate the enzyme pyruvate decarboxylase and the process starts again.